गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन द ग्लैमर रॉस। गाइस इस वीडियो में मैं आपके स्किन के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास रेमेडी जो कि आपके स्किन के पुराने से पुराने दाग धब्बे और कोई भी प्रॉब्लम हो, दाग हो, धब्बा हो, पिंपल्स के मार्क्स हो, फाइन लाइंस हो या स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो सारे खत्म हो जाएंगे। इसे बस आपको महीने में एक बार यूज करना है और इसे यूज करने के बाद आपके फेस पर ऐसा ग्लो आएगा कि आपको महंगे से महंगे फेशियल प्रोडक्ट्स और भी सारे प्रोडक्ट्स जिसे आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो और भी ग्लोइंग देखना चाहते हो इसके आगे सारे प्रोडक्ट्स फीके पड़ जाएंगे। तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो को पूरे एंड तक देखना होगा बिना स्किप किए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, या आप जो भी प्रॉब्लम हो स्किन से रिलेटेड आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उसका आंसर अपने वीडियो के अकॉर्डिंग दूंगी। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस। इसके बेनिफिट्स बहुत ही सारे हैं। फर्स्ट कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड कि आपका एक रुपया भी इसमें लगने वाला है नहीं। थर्ड कि आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं आपके स्किन के लिए। आपको कोई भी क्रीम वगैरह महंगे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी यूज़ करने के बाद। आप इसे खुद एक बार यूज़ करोगे तो बार बार यूज़ करेंगे। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, आप इस्तेमाल करो आपको खुद पता चल जाएगा। अगर गाइस आप इसे यूज़ करते हो मंथ में एक या दो बार, अगर दो बार करते हो तो और भी अच्छा है। अगर आपको इसे करने में ज़्यादा झंझट लग रहा है तो आप एक बार महीने में ज़रूर यूज़ करना, उसके बाद आपके स्किन का ग्लो देखना और इसका बेनिफिट देखना, मार्क जो क्लियर हो जाएंगे वो देखना और आपको तो खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका रिजल्ट ज़रूर बताएं। Now let's get started the video। ऑरेंज यानी संतरे के फायदे के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन आज मैं बताऊंगी संतरे के छिलके के फायदे के बारे में। संतरे के छिलके में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिससे हेल्थ में इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने में, दांतों के इस्तेमाल में, वेट लॉस में, हमारे स्किन के लिए तो बहुत फायदेमंद है। तो इस वीडियो में मैं संतरे के छिलके का हमारे स्किन यानी त्वचा को और भी ज़्यादा उसे निखारने में, चमकदार बनाने और खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो आइए बताती हूँ कैसे करें यूज। हमें ले लेने हैं संतरे के छिलके और उसे धूप में रखने हैं दो दिन ताकि वो अच्छे तरह से सूख जाए। दो दिनों तक हम उसे अच्छे से ड्राई होने देंगे। अब ये संतरे के छिलके बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं जिससे हम फेस पैक के लिए बहुत ही अच्छा पाउडर बना सकते हैं। फेस पैक के साथ ही हम एक स्क्रब भी बनाएंगे। तो हमें इसे मिक्सर में पीस लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा पाउडर बन चुका है जिसका हम एक बहुत ही अच्छा फेस पैक तैयार कर सकते हैं। और उसके साथ मैंने एक स्क्रब भी तैयार किया है जो थोड़ा दरदरा है। ये संतरे के छिलके का स्क्रब हमारे स्किन के डेड स्किन सारे निकाल देगा, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स सभी साफ कर देगा और पैक हमारे चेहरे का एकदम रंगत निखार देगा। जो भी हमारे स्किन में अंदरूनी प्रॉब्लम्स होगी उसे क्लीन करेगा, उससे फाइट करेगा। आप पैक ये और स्क्रब बनाकर स्टोर भी कर सकते हो एक हफ्ते के लिए, बट मुझे ये लगता है कि एक बार में ये मेरे फेस पर लग जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ इसे कैसे लगाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो हमें एक बॉल में ये ऑरेंज के छिलकों का पाउडर ले लेना है। अगर आप इसे ज़्यादा बना रहे हो तो आप फ्रीज़र में रिस्टोर करना एक हफ्ते के लिए, उससे ज़्यादा रिस्टोर मत करना। इसमें अब हमें ऐड करने हैं गुलाब जल। गाइस अगर आप ये यूज़ करते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके पिंपल्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हमारा पैक हो गया रेडी। अब मैं इसे बताऊँगी कि कैसे यूज़ करने हैं। हमें अपने स्किन को फेस वॉश से अच्छे से क्लीन करके संतरे के छिलके का जो हमने
स्क्रब बनाया है उससे अपने फेस को बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रबर करना है। गाइस ये थोड़ा ड्राई है तो ये थोड़ा गिर रहा है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही करना। या आप चाहो तो इसमें आप थोड़ा हनी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे ही बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने हनी ऐड नहीं किया। आप कर सकते हो ताकि गिरे ना। 5 मिनट तक स्क्रब करके उसे आपको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है फेस पर ही, ताकि आपके फेस पे जितने भी जर्म्स होंगे जिससे आपकी फेस पर हार्म होता है वो सभी क्लीन हो जाएंगे। अब मैंने फेस को कर लिया है वॉश, अब मैं पैक यूज़ करूँगी। गाइस जब मैंने पैक यूज़ किया था तो मुझे बहुत ही चुभन टाइप का हो रही थी, इसका मीन्स हमारे स्किन में जितने भी जर्म्स थे, बैक्टीरिया थे, जो भी होता है आपका प्रॉब्लम्स इन स्किन का, वो ये उससे इतना अच्छे से क्लीन कर रहा था। आप इसे मंथ में 2 बार यूज़ करो, बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा गाइस। इसे मैंने 10 मिनट तक अपने फेस पर रखा और बहुत ही चुभन हो रही थी। तो जब आपको लगाते समय चुभन हो आपके फेस पर तो आप इसे उल्टा मत समझना कि हमारे फेस पर ये रिएक्शन करेगा। नहीं गाइस, ये बहुत ही अच्छा पैक है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अब इसे भी हम 10-15 मिनट तक रखेंगे, आप जितना देर तक रख सकते हो रखो, बहुत ही अच्छा है फेस के लिए। 10 मिनट बाद मैं इससे उतारूंगी इस पैक को, और जिस दिन मैंने ये पैक और स्क्रब यूज़ किया था उस दिन मेरा फेस बहुत ही ग्लो कर रहा था गाइस। और साथ ही मैंने इसका टोनर भी बनाया है, संतरे का छिलके का टोनर। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे बनता है और उसके क्या बेनिफिट्स है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना गाइस। संतरे के छिलके का पैक यूज़ करने के बाद अगर आपको ज़्यादा चुभन हो तो उसे हटाने के बाद आप आइस क्यूब यूज़ कर ले अपने फेस पे, बहुत ही अच्छा आपको फील होगा और आपका फेस भी ग्लो करेगा। कि आपने पूरा फुल वीडियो देखा हो और आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, आपके बजट में भी हो, बजट में क्या 1 रुपया लगाना ही नहीं है, मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और गाइस आप इसे ट्राई ज़रूर करना, मैं फिर बोल रही हूँ। और भी सारी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए, इफेक्टिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी न्यू वीडियो की वेट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, अंदर बाय।